Welcome to CI International School Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, हमारे आसपास के बाजार। आप देखा ना हमारे आसपास कैसे कैसे बाजार लगते हैं, हमारे आसपास की दुकानें होती हैं जहां से हम सामान खरीदते हैं, शॉपिंग मॉल से सामान खरीदते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, या फिर साप्ताहिक बाजार भी लगते हैं जिनमें हम सप्ताह के एक दिन जाते हैं। उसके साथ साथ सड़क के किनारे पर भी आपने देखा छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे पटरियों पर लोग सामान को बेचते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहां से हम सामान को खरीदते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे आसपास के बाजार। निकालिए बेटा ये चैप्टर, देखिए जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। ठीक है, बहुत सारी चीजें, आप एक लंबी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी। हम जो कुछ खरीदते हैं यदि हम उन सब की सूची बनाए, मींस एक लिस्ट बनाए, तो वो काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां से हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चीजों को खरीदते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, मतलब कि जो पड़ोस में जो आप देखते हैं ना हॉकर्स होते हैं, रेहड़ी वाले, वो साप्ताहिक हाट, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ जो शॉपिंग मॉल है वो। इस अध्याय में हम इन्हीं बाजारों के बारे में पढ़ेंगे और बाजारों के प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार भी कितने प्रकार के होते हैं, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है और बेचने वाले लोग कौन हैं, और इन सब के बीच इनके पास किस किस समस्या, कैसी कैसी समस्याएं इन लोगों को आती हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए बेटा ये पूरी दो पेजेस में एक पिक्चर दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पिक्चर दिया हुआ है। देखो क्या दिख रहा है, ऊपर हमको स्लीपर दिख रहे हैं, एक हमको स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, ठीक है, पंचिंग मशीन है, चेयर है, माउस है, शॉर्पनर है, सीडी है। तो बेटा ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं, ठीक है। और ये देखिए नीचे, नीचे भी बहुत सारा सामान है, कैलकुलेटर है, टूथब्रश दिया हुआ है आपको, है ना। ऐसे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मग है, स्टेपलर है, छोटी सी टॉय गाड़ी है, मोबाइल फोन है, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। इधर देखिए ये एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर देखो एक व्यक्ति बहुत सारी चीजों को देख रहा है कि वो किन किन चीजों को मार्केट से परचेज करें। यहाँ देखिए ये एक सब्जी मार्केट लग रही है, सारी सब्जियां लगी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक दुकान के बाहर डम्मी है जिस पर कपड़े दिखाए गए हैं, मीन्स यहाँ कपड़े मिल रहे हैं। ये भी बाजार की कई दुकानें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सब्जी मार्केट है जहाँ पर लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं, ठीक है। ये एक हलवाई की दुकान है, ये दूध वाले की दुकान है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ लिखा है सेल सेल सेल, मतलब यहाँ पर सेल लगी है कि जो हर सामान है वो 50 रुपये में है या 35 रुपये में है। तो बेटा इस तरीके से कई प्रकार के बाजार हो सकते हैं जहां से हम इन चीजों को खरीदते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए हम बात करते हैं साप्ताहिक बाजार की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, साप्ताहिक बाजार। देखें साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, डेली नहीं लगता। जैसे आप देखते हैं हमारे आसपास की दुकानें रोज खुलती हैं, लेकिन ये रोज नहीं खुलता, सप्ताह के किसी एक दिन, जैसे कि मंडे मार्केट होती है, ट्यूसडे मार्केट है, सोम बाजार है, मंगल बाजार है,
ठीक है, ऐसे सप्ताह के किसी एक विशेष दिन लगता है। इस सप्ताह बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती, मतलब पक्की दुकानें नहीं होती, सीमेंट की दुकानें नहीं है। व्यापारी दिन के समय दुकान लगाते हैं रोड के किनारे सड़क पर ही, और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वो अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। मान लीजिए आज मंडे मार्केट का डे है, तो उन्होंने इस एरिया में मंडे मार्केट लगाई, सुबह अपना सामान लगाया, शाम को उठा लिया, और अगले डे वो वहां चले गए जहां पर ट्यूसडे को मार्केट लगनी होगी। ठीक है, तो वहां जाकर उन्होंने अपना सामान लगाया। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें हमें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। सस्ते दामों पर क्यों मिलती है? हमारे पड़ोस की दुकानों से भी सस्ती मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो दुकान पक्की है, मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई दुकान है तो वो तो पक्की दुकान है ना, परमानेंट शॉप है, ईंट सीमेंट से बनी हुई है, वो पक्की दुकानें हैं। उन्हें अपनी दुकानों में कई तरीके के खर्च जोड़ने होते हैं। जो पक्की दुकान है उसके कई खर्च होते हैं, जैसे उन्हें दुकान का किराया देना होगा, बिजली का बिल देना होगा, सरकारी शुल्क देना होगा, मतलब सरकार उनके ऊपर बिल्डिंग टैक्स लगाती है वो उन्हें देना पड़ेगा, और इन दुकानों पर काम करने वाले उन्हें कर्मचारी वर्कर्स भी रखने होंगे, उनकी तनख्वाह भी देनी होती है, तो वो सब इन खर्चों को इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, अपना जो पूरे मंथ का खर्चा होता है वो उसे जोड़ लेते हैं कि टोटल कितना खर्चा है, और अपनी चीजों की कीमत को वो उतना ही बढ़ा देते हैं। लेकिन जो साप्ताहिक बाजारों में चीजें बेची जाती है, दुकानदार उसे कहाँ रखता है? उसके पास तो दुकान है ही नहीं, वो तो सड़क के किनारे लगा रहा है, तो बेटा वो इन्हें घर में ही जमा कर कर रखता है। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, मतलब घर में ही सामान रख रहे हैं तो सामान को लगाने में, उठाने में उनके जो परिवार के सदस्य इनकी मदद करते हैं, जिससे उन्हें कर्मचारियों को अलग से वेतन भी नहीं देना पड़ता। दुकान का किराया नहीं है, बिजली का किराया नहीं है, इसलिए हमें वहां पर चीजें सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामान के लिए कई दुकानें होती हैं। ठीक है, कपड़े की दुकान लगे तो एक साथ कई कपड़े के व्यापारी रोड पर ही अपना सामान लगाते हैं, जिस कारण उनके बीच में क्या होती है, प्रतियोगिता भी होती है, कॉम्पिटिशन रहता है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वो अगली दुकान पर जाकर वहां से सामान खरीद लें, जहां संभव है वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ठीक है, हम अगली दुकान पर सामान देखें, कोशिश करें कि शायद हमें कहीं और इससे कम कीमत में मिल जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास अक्सर यह भी होता है कि वह तोल मोल कर भाव को कम करवा लें। हम बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भैया हमें चीज नहीं 200 नहीं, हमें 150 में चाहिए। क्या है, हम इस तरीके से मोल भाव भी कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत पड़ने पर सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। मीन्स जैसे मान लीजिए अब हमें सब्जी चाहिए तो हमें सब्जी मंडी जाना होगा, कपड़ा चाहिए तो हमें एक ऐसी मार्केट में जाना होगा जहाँ कपड़े मिलते हैं। लेकिन यदि हम साप्ताहिक बाजार में जा रहे हैं तो हमें सभी सामान, चाहे वो सब्जी है, ठीक है, कपड़े है, चप्पल लेनी है, या खाने पीने का कोई और सामान है, वो हमें एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराने का सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे हमारा समय भी बचता है। लेकिन लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। लेकिन लोग जरूरी तो नहीं हमेशा साप्ताहिक बाजार में भी जाएं, साप्ताहिक बाजार में भी जाते हैं, वैरायटी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे बाजारों में भी जाते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें और भी अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल जाती हैं। देखिए ये साइड में एक कपड़ा व्यापारी दिखाया गया है, ये देखो दिख रहा है बेटा, ये कपड़े व्यापारी का पिक्चर है। ये समीर है जो जिसकी रेडीमेड वस्त्रों का ये एक व्यापारी है। क्या लिखा है, समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा सा व्यापारी है, वह शहर के एक बड़े से व्यवसायी से कपड़े खरीदता है, एक बहुत बड़े व्यापारी से कपड़ों को खरीदता है और सप्ताह में 6 अलग अलग जगहों पर जाकर कपड़े को बेचता है। मतलब साप्ताहिक बाजार में जाता है तो जहाँ सोम बाजार लगना है, कहीं पर मंगल, कहीं बुध, तो वो डे के हिसाब से अलग अलग बाजारों में जाता है और वहां पर कपड़ों को बेचता है। आप अलग अलग जगह जाना और सामान को लेकर जाना तो किराया तो देना पड़ेगा, सामान तो किसी गाड़ी के थ्रू ही जाएगा, तो समीर और जो उसके साथ के दूसरे कपड़े के व्यापारी हैं वो इकट्ठे आते जाते हैं, इसीलिए वो किराए के लिए एक मिनी वैन मंगा लेते हैं। जब वो मिनी वैन मंगाते हैं तो किराया भी आपस में बढ़ जाता है, इसीलिए उनका बहुत कम खर्चा होता है। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण ही होते हैं। ग्राहक कौन है, जो आसपास के गाँव वाले हैं।
दीपावली, पोंगल या ऐसे त्योहारों के मौकों पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। तो देखो बेटा ये दे रखा जी, ये वो समीर दे रखा, ये देखिए कपड़े बेच रहा है ये इस मार्केट के अंदर, दिख रहा है ना आपको। आप देखिए क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, लोग साप्ताहिक बाजार में क्यों जाते हैं? तीन कारण हो सकते हैं, कोई सामान सस्ती जगह पर सामान सस्ता मिल जाता है, एक ही जगह पर मिल जाता है और वो मोल भाव भी कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं और बड़े व्यापारी बाजारों में क्यों नहीं दिखते? बेटा बड़े व्यापारी नहीं होते क्योंकि बड़े व्यापारियों के पास तो पक्की दुकानें हैं, ये छोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है, जो बड़े व्यापारियों से चीजों को खरीद कर यहाँ पर बेचते हैं। साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है? क्योंकि इनको बहुत कम खर्चा होना करना पड़ता है, जैसे कि जो एक स्थायी दुकान के अंदर एक बिजली का किराया है, नौकरों का वेतन है, गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग टैक्स है, ये सब खर्चे इनके बच जाते हैं, इसीलिए साप्ताहिक बाजार में हमें सामान जो है वो सस्ते दामों पर मिल जाता है। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजार में कैसे तोल मोल करते हैं, क्या आप ऐसी स्थिति सोच सकते हैं जहाँ तोल मोल करना अन्यायपूर्ण होगा? बाजार में जाते हैं तो बेटा आप सभी ने देखा होगा तोल मोल, नहीं 100 में नहीं चीज भैया 80 में दे दो, 80 वो कहेगा 80 आप 90 में लो, नहीं मैं तो 90 में नहीं लूंगी, मैं 80 में ही लूंगी, ठीक है। लेकिन बेटा क्या लगता है कि तोल मोल करना अन्यायपूर्ण होगा? लेकिन बेटा कभी कभी लगता है कि ये तोल मोल करना अन्यायपूर्ण होगा। एक बड़ी दुकान जहाँ पर फिक्स प्राइस है, हम वहाँ पर जाते हैं, वो चीज़ हमें महंगे दामों पर मिलती है, हमें पता है, हम वहाँ जाकर उसको फुल पेमेंट कर आते हैं, और एक जो गरीब व्यक्ति है ना डेली अलग अलग बाजारों में जाकर सामान को बेच रहा है, हम उसे इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो अपनी चीज़ को कम से कम कीमत पर दे। तो ऐसा करने से कभी कभी इन बेचारों को पूर्ण रूप से आमदनी नहीं हो पाती है, वो दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तो हमें बार्गेनिंग करनी तो चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं कि उनके साथ अन्याय हो, ठीक है बेटा, इससे आगे हम कर पाएंगे। ओके।